ये कहानी है एक राजस्थानी लड़की की, जिसे एक आत्मा से प्यार हो जाता है। लव टेल प्रेजेंट्स पहेली। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम लाची है। लाची की शादी एक किशन नाम के बनिए से होती है। रास्ते में जाते समय लाची की अंगूठी ढीली होती है। इस पर किशन लाची से अंगूठी मांग लेता है। थोड़ा आगे जाने पर वो सब एक बावड़ी के पास विश्राम के लिए रुकते हैं। यहाँ लाची एक गिलहरी और एक अनोखा पक्षी देखती है, जो उसके रास्ते में बार बार आ रहे होते हैं और आगे बढ़ जाती है। जब लाची बावड़ी में मुंह धो रही होती है, तब उसे एक पैर का निशान उगते दिखता है। लाची इस पर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वे सब वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो गिलहरी और अनोखा पक्षी और वो पैरों के निशान एक मायावी आत्मा का था, जिसे लाची से प्यार हो गया है और वो उससे बिछड़ के नहीं रह सकता। इधर लाची ससुराल पहुँचती है। रात में वो देखती है कि किशन हिसाब करने में लगा है। इस पर वो कहती है कि अभी रहने दे, कल कर लीजिएगा। पर किशन बोलता है, मुझे ये अभी ही करना है, क्योंकि कल तो मुझे व्यापार के लिए जाना है, 5 साल के लिए। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 साल बाद आएगा। मैं 5 साल बाद वापस आ जाऊँगा और ये 5 साल तो यूँ गुजर जाएंगे। ये कहकर वो लाची को बिस्तर पर सुला देता है और कहता है, मैं बगल में सो जाऊँगा। माँ ठीक कहती है, एक रात के लिए तन की आग क्यों जगाई जाए। और वो फिर हिसाब में लग जाता है। लाची बहुत रोती है। वो दूसरे दिन सुबह लाची के पास उसकी जेठानी आती है और उससे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे पीड़ा, अकेलेपन का दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये कहकर वो उससे कहती है कि चलो अब किशन को विदा करना है। सुबह किशन बाबूजी से इजाज़त लेकर व्यापार के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते समय किशन उसी बावरी के पास आराम करने के लिए रुकता है। वो बावरी में पानी पीने जाता है तो वो आत्मा उसे देख लेता है। वो आत्मा सोचता है, अभी तो हल्दी की रंग भी नहीं उतरी होगी और ये व्यापार के लिए जा रहा है, जाकर पता करता हूँ। मायावी आत्मा इंसान का रूप बदल कर किशन से पूछता है। किशन कहता है कि मैं जामनगर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर अगले 7 सालों तक नहीं आएगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मायावी आत्मा बहुत खुश होता है और वो किशन का रूप धारण कर उसके घर चला जाता है। उसके घर जाने के बाद जब रास्ते में उसे बाबूजी देखते हैं, तो उससे वापस आने की वजह पूछते हैं। इस पर किशन कहता है कि मैं वापस इसलिए आ गया क्योंकि मुझे रास्ते में एक संत महात्मा मिले। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जब मैं सुबह उठ करके अपने बिस्तर पर से नीचे उतरूँगा तो मुझे 5 सोने के मोहरे मिलेंगे। इस पर बाबूजी भी खुश हो जाते हैं और वो उसे घर जाने को कहते हैं। इसके बाद मायावी किशन घर जाता है। घर जाने के बाद रात में लाची उसके पास आती है और उसे कहती है, जब वापस ही आना था तो मुझे छोड़कर क्यों गए, देख लिया मेरे प्रीत में कितनी ताकत है, खींच लाई ना तुम्हें वापस। इस पर मायावी किशन कहता है कि अच्छी तरह से परख कर लो, क्या पता मैं तुम्हारा पति हूँ या फिर कोई मायावी जो तुम्हारे पति का रूप धारण करके आया हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं, वही कदकाठी, वही रूप, वही रंग, सब वही है, तुम मेरे पति हो ही हो। इस पर मायावी किशन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं एक मायावी आत्मा हूँ जो तुम्हारे पति का रूप धारण करके आया हूँ। जब तुम शादी के बाद विदाई होकर आ रही थी तो तुम्हें बाबरी के पास एक अनोखा पक्षी और गिलहरी दिखा था जो तुम्हारा रास्ता रोक रही थी। मैं वही हूँ, मैं ही रूप बदल कर तुम्हारा रास्ता रोक रहा था। तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था तुमसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पति का रूप लेकर यहाँ आ गया हूँ। अब तुम जो चाहो वो मुझे मंजूर होगा। अगर मैं तुमसे नहीं बताता तो मुझसे सही नहीं जाती, मेरा दम घुट जाता, इसलिए मैंने ये सब तुम्हें सच सच बता दिया। इस पर लाची बहुत दुखी होती है और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। उसे रोता देख मायावी किशन कहता है कि तुम रो मत,
अगर तुम्हें ये पसंद मैं पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। इस पर लाची चुप हो जाती है और उससे कहती है कि आज तक किसी ने मुझसे मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी, तुम पहले हो जो ऐसा पूछ रहे हो। मैं जाने वाले को तो ना रोक सकी, लेकिन आने वाले को कैसे रोकूं। और वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सुबह होता है। सुबह बाबूजी किशन से सोने के मोहरे के बारे में पूछते हैं। इस पर किशन उन्हें 5 मोहरे निकाल कर दे देता है। इधर असली किशन को लाची की और घर की बात याद आ रही होती है। वो एक खत लिखता है और भोजा के हाथों घर भेजवाता है। जब भोजा खत लेकर घर जाता है तो वो किशन को घर पे पाता है। इस पर वो कहता है, बाबूजी आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए, आपने मुझे खत यहाँ लाने को दिया और आप खुद आ गए। इस पर मायावी किशन उससे खत ले लेता है और उसे जाने को कहता है। खत लेने के बाद वो उसे फाड़ देता है। इसके बाद जब भोजा वापस जामनगर जाता है तो वहाँ असली किशन को देखता है और वो उससे पूछता है, बाबूजी आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए, उड़कर आ गए क्या। इस पर किशन कहता है कि मैं यहाँ ही था, मैं घर कब गया, तुमने मेरी खत क्या की, बाबूजी ने कुछ दिया नहीं। इस पर भोजा कहता है कि मैंने वो खत आप ही के हाथ में दी थी। इस पर किशन कहता है, मैं यहीं था तो तुमने मेरा खत मेरे हाथों में कैसे दिया। इस पर भोजा उस पर गुस्सा करने लगता है। इस पर किशन कहता है, तुमने शराब पी रास्ते में और मेरा खत कहीं घुमा दिया। ये सब उसकी पत्नी देख रही होती है। इधर लासी खुशी खुशी मायावी किशन के साथ अपना जीवन बिता रही होती है और वो उसके साथ बहुत ही खुश रहती है। इधर गांव में ऊँटों की दौड़ का आयोजन होने वाला था। किशन अपने बाबूजी को ऊँटों की दौड़ के लिए मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानते और वो कहते हैं कि तुम्हारे सुंदर लाल काका भी एक बार ऐसे ही जिद कर बैठे और ऊँटों के दौड़ में हिस्सा लिया और वो हार गए। उसके बाद जो वो गए आज तक नहीं आए। सुंदर लाची के जेठानी के पति होते हैं जिसे वो बहुत याद करती है और अकेलेपन में रहती है। इधर जामनगर में असली किशन कहता है कि लगता है सब लोग मुझे भूल गए हैं और कि बाबूजी भी मुझे भूल गए हैं, ना कोई खत ना कोई पत्री ना कोई हालचाल पूछता है, कुछ नहीं। और वो फिर खत लिखता है और भुजा के घर जाता है उसे पहुंचवाने के लिए। और इस बार वो कहता है कि इस बार मेरी खत सही से ले जाना और बाबूजी के हाथों में ही देना। जब किशन खत देकर चला जाता है तो भुजा की पत्नी उस खत को जला देती है और कहती है, पिछली बार वाला अपमान याद नहीं जो तुम फिर से खत देने जाओगे। इधर मायावी किशन ऊँटों के रेस के लिए बाबूजी को मना लेता है और साथ ही गांव में एक भाभी बनवाने के लिए भी। उसके बाद ऊँट को रेस का दिन आता है। मायावी किशन अपने माया से ऊँटों का रेस जिता देता है। इस पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं पर जब किशन घर जाता है तो लाची बहुत नाराज होती है और उससे बात नहीं करती है। इस पर किशन उससे नाराज होने की वजह पूछता है तब लाची कहती है कि तुम क्यों करते हो ये सब, क्यों अपनी माया दिखाते हो, क्यों माया दिखाकर तुम हमेशा मायावी होने का एहसास दिलाते हो मुझे। इसके बाद वो मायावी किशन से वचन लेती है कि वो कभी कोई माया नहीं दिखाएगा, कोई इच्छा ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके मायावी होने का उसे एहसास हो, और वो वचन देता है। इधर असली किशन को घर की बहुत याद आ रही होती है। दूसरी तरफ लाची माँ बनने वाली होती है। ये जानकर मायावी किशन बहुत खुश होता है और दोनों ये तय करते हैं कि अगर बेटी हुई तो वो उसका नाम लूनी माँ रखेंगे। दूसरी तरफ असली किशन को एक खबरी आकर बताता है कि लाची को तो बच्चा होने वाला है और शायद अब तक हो भी गया होगा। इस पर असली किशन बहुत गुस्सा करता है और इधर लाची को लिवर पेन स्टार्ट होता है। इसके बाद असली किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। दोनों को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके पापा भी उसे नहीं पहचान पाते कि असली कौन है और नकली कौन। इस पर असली किशन उसे उसकी बहू का अंगूठी दिखाते और कहते हैं कि ये देखिए आपकी बहू की अंगूठी, मेरे पास कहाँ से आया बताए। इस पर उसके पिता कहते हैं कि मुझे क्या पता तुम्हारे पास कहाँ से। इधर लाची को बहुत दर्द हो रहा होता है तब मायावी किशन उसके पास जाता है। यहाँ लाची उससे वचन लेती है कि तुम मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाओगे।
इस पर मायावी किशन उसे वचन देता है कि वो लूनिमा और लाची दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और कभी नहीं जाएगा। इसके बाद लाची की जेठानी आकर मायावी किशन को बताती है कि उसे बेटी हुई है। इसके बाद सुंदरलाल भी वापस आ जाते हैं। इस पर मायावी किशन उनसे कहता है कि अब आप वापस मत जाइएगा कभी इन्हें छोड़ करके। सुंदरलाल उसकी जेठानी से माफ़ी मांगता है और दूसरी तरफ पंचों में ये फैसला होने को रहता है कि असली कौन है नकली कौन, दोनों को नहीं पहचान पाते हैं। तब सब ये फैसला करते हैं कि वो राजा के पास जाएंगे और राजा ही उनका फैसला करेंगे। रास्ते में असली किशन मायावी किशन से पूछता है कि दुनिया जाने या ना जाने, तुम तो जानते हो असली कौन है नकली कौन है, तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी जगह लेकर क्यों आए हो। इस पर मायावी किशन उससे कहता है कि मैं प्रीत हूँ, एक औरत के दिल में जो प्रीत होती है, जो प्रेम होता है, मैं वही हूँ, मैं प्रेम हूँ। ये सोच सुनकर असली किशन सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सभी आगे जाते हैं। जब सब आगे जा रहे होते हैं तो रास्ते में उसे एक गरेरिया मिलता है। गरेरिया उनसे उनके जाने की वजह पूछता है। इस पर सब उसे बताते हैं कि ये दोनों में असली कौन है और नकली कौन, यही का फैसला करवाने हम सब राजा के पास जा रहे हैं। पर गरेरिया कहता है कि इतनी आसानी है इसी बात को तुम सब मिल करके नहीं सुलझा पाए और राज चले दिए राजा के पास, मैं इसे सुलझा दूंगा। गरेरिया अलग अलग तरह से दोनों की परीक्षा लेता है। अंत में वो कहता है कि जो इनकी बहू का सच्चा प्रेमी होगा वो इस छागल में घुस जाएगा, यानी कि वाटर बैग में घुस जाएगा। ये सुनकर मायावी किशन सोच में पड़ जाता है। उसे लाची की बात याद आने लगती है। फिर भी वो कहता है कि लाची मुझे तेरी कसम तोड़नी पड़ेगी, मेरे प्रीत की परख हो रही है और मेरी प्रीत सच्ची है। वो जाकर के रूप बदल कर छागल में घुस जाता है। असली किशन वो छागल लेकर के दूर फेंक देता है। इधर लाची को किशन की बहुत याद आ रही होती है। इसके बाद सभी घर जाते हैं। घर में सभी मिलकर के लाची को समझाते हैं कि इसमें तेरी कोई गलती, जब हम ही नहीं पहचान पाए तो तुम क्या पहचानोगे। लाची इसके बाद किशन के पास जाती है और किशन से कहती है कि आपके साथ दूसरी गृहस्थी बसाने से पहले मैं कुछ सच कहना चाहती हूँ आपसे। इस पर किशन कहता है कि यही ना कि उस मायावी ने जादू टोना करके तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था। पर लाची कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसने सब सच बताया था, पर मैं ही उसकी बातों में आ गई। जो मान जो सम्मान जो इज्जत मुझे उससे मिला वो आज तक किसी से नहीं मिला। वो मुझसे प्रेम करता था इसलिए मैं भी उससे प्रेम कर बैठी, और अब ये दूसरी ज़िंदगी आपके साथ मैं कैसे बिता सकती हूँ। इस पर किशन कहता है कि तुम अपनी पहले ज़िंदगी की निशानी नहीं लाई उजाली बिटिया को। इस पर लाची कहती है लूनिमा नाम है उसका, तो वो कहता है कि लूनिमा तुम हमारी बिटिया को नहीं लाई। ये देखकर लाची बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है सबने तो कहा था कि गडेरिए ने तुम्हें छागल में बंद कर दिया। इस पर किशन कहता है कि छागल में तो मैं अपनी मर्जी से गया था, अगर गडेरिए का छल कपट मुझे छागल में बंद कर सकता है तो क्या मेरा प्रीत की वजह से मैं तुम्हारे पति के शरीर में नहीं घुस सकता हूँ। मैं आज से तुम्हारे पति के शरीर में रहूँगा और सारी उम्र तुम्हारे साथ रहूँगा। इस पर लाची बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है, और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।